नमस्कार, जय हिंद। आप सभी भारतवासियों को जीएस न्यूज की टीम की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज चैनल पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल। 14 अगस्त की रात्रि को ही बिहार के किस शहर में झंडोत्तोलन किया जाता है? ए भागलपुर, बी पूर्णिया, सी सीवान या डी अररिया। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कल के प्रतियोगिता में आप सबसे पहले जवाब दे सकें। भागलपुर के अमडंडा थाना क्षेत्र में सगे भाई ने गोली मारकर की हत्या। भागलपुर जिले के कहलगांव सनहोला प्रखंड क्षेत्र के अमडंडा थाना क्षेत्र के काजा घुटियानी गांव में अपने ही सगे भाई को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर देने से क्षेत्र में सनसनी मच गई। मौके पर ही पंचानंद कुमार उम्र 22 वर्षीय पिता जयकरण महतो की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना अमडंडा थाना अध्यक्ष बबलू कुमार एवं थाने के एएसआई जगदानंद बैठा को मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे और मुख्य आरोपी मृतक के बड़े भाई परमानंद महतो को 2 लोडेड देसी कट्टा, 3 mm, 4 जिंदा कारतूस एवं 1 धारदार दबिया के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं विधि व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए रसलपुर थाना प्रभारी हरेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और विधि व्यवस्था को कायम किया। वो जो घर वाले के पास था ना, जो इधर उधर लेके भागते रहता था, पहले तो कोर्ट ले गया और उसके बाद कोर्ट लेके आके घर पे 2-3 महीना वो अपने पास ही रखा। अच्छा। और उसके बाद हुआ कि पूरा परिवार आया तो जमीन में हिस्सा बटाया तो उसमें भी जमीन नहीं दे रहा। पूरे परिवार भी आया था जब भी, इसीलिए हम भगाइए के ब्याह कर रहे। तुम्हारा शादी कहाँ हुआ था? बस्ती में शादी किया था। क्या नाम हुआ तुम्हारा? परमानंद महतो। क्यों गोली मारा? चट्टा पे नहीं, गलती किया। गाँव से एक लड़की उड़ा के फिरार हो गया। कौन जो मारा है? अच्छा। हाँ, तो वही मौके आके छोड़ के घर में, मैंने वो घर उधर शक हो गया कि मेरे भाई से फंस अथी हुआ है। मोगियो के मार पीट के भगा दिया है 2 महीना पहले। क्या नाम? अपी का लड़का है जी सर। क्या लड़का है? नवगछिया में पाए गए 18 कोरोना पॉजिटिव मरीज। नवगछिया में गुरुवार को 18 कोरोना के मरीज पाए गए हैं। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि नवगछिया प्रखंड के साहू पर्वता गांव में 15 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 3 व्यक्ति नवगछिया शहर के संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमित व्यक्तियों को कोविड सेंटर लाने एवं बॉन्ड भरवाने की प्रक्रिया की जा रही है। मास्क चेकिंग अभियान में 81 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क एवं वाहनों की जांच की गई है। जांच अभियान में कुल 81 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाए गए, जिससे कुल 4,050 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। वहीं इस अभियान में एक वाहन से 1,000 रुपए भी जुर्माना वसूल किया गया है।
संतोष यादव हत्याकांड के आरोपी नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद ने किया न्यायालय में सरेंडर, कहा वह नहीं है दोषी, कानून पर है पूरा भरोसा। नवगछिया के रसलपुर निवासी संतोष यादव हत्याकांड में आरोपी नवगछिया के रसलपुर निवासी नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद अभिषेक रमन उर्फ टीएन यादव ने शुक्रवार को नवगछिया व्यवहार न्यायालय में सरेंडर कर दिया। सरेंडर के समय टीएन यादव ने कहा कि जिस घटना में उसने अपने करीबी को खो दिया उसी घटना में उसे आरोपित किया गया है। टीएन यादव ने कहा कि कानून और न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। जानकारी मिली है कि टीएन पुलिस से बचते हुए दोपहर 12 बजे न्यायालय पहुंचे, अपने वकील के माध्यम से उन्होंने सरेंडर किया है, इसके बाद उसे जेल भेजने का निर्देश दिया गया। इधर नौगछिया पुलिस ने दावा किया है कि पुलिस की दबिश के कारण ही टीएन ने न्यायालय में सरेंडर किया है। पुलिस टीएन को रिमांड पर लेने का मन बना रही है। नौगछिया थानाध्यक्ष राजकपूर कुशवाहा ने कहा कि संतोष की हत्या में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, जल्द ही सबों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भाजपा नेत्री ने कृषि मंत्री को किसानों की समस्या से कराया अवगत। बीहपुर विधानसभा के मक्का एवं केला किसानों की समस्याओं को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष खरीक दक्षिण की जिला पार्षद कुमकुम देवी राज्य के कृषि एवं सहकारिता विभाग के मंत्री प्रेम कुमार से मिली। उन्होंने मंत्री के समक्ष इलाके के किसानों की समस्याओं को देखते हुए कहा कि इलाके के किसान उत्पादन के मामले में काफी आगे हैं, मक्का केला हो या आम लीची उत्पादन के मामले में बिहार में अग्रणी है। ऐसी स्थिति में किसानों को बेहतर बाजार नहीं मिल पा रहा है, दूसरी तरफ इलाके में एक भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। रंजुला देवी मुखिया बैसी जहांगीरपुर नवगछिया की ओर से 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया ध्यान दें, अब एक मिनट के विज्ञापन के बाद खबर प्रारंभ होगा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। आई प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नवगछिया भागलपुर, ऑनलाइन कक्षा देने वाला नवगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें 7488-8569-88-9234-62-3333। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-9796-80 8228956905 या रजिस्टर करें mswtbihar.com पर। नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र में संदेहास्पद हालत में सब्जी विक्रेता की मौत, पत्नी ने करवाया मामला दर्ज, पोस्टमार्टम के बाद ही उठेगा सच से पर्दा। संदेहास्पद स्थिति में गोपालपुर थाना क्षेत्र के बड़ी मकनपुर गांव के सब्जी विक्रेता सिंटू भगत की मौत बुधवार को ही देर रात हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सिंटू भगत को उसके कारोबारी साझेदारी सैदपुर गोडियारी निवासी रंजीत सिंह ने अपने यहां आयोजित जन्मदिन समारोह में ऑटो से लाया था, जहां जमकर शराब की पार्टी में नाच गाना हुआ। पार्टी के दौरान फायरिंग करने की भी बात पड़ोसी द्वारा कही गई। पार्टी की समाप्ति के बाद देर रात को उसके साझेदार अपने सहयोगियों के साथ उसके घर पहुंचाने गए कि रास्ते में लत्ती पाकर में ऑटो के दुर्घटनाग्रस्त होने पर सिंधु की मौत हो गई और अन्य सभी लोगों को मामूली चोट आई। मृत सिंटू को उसके साझेदार द्वारा उसके घर पहुंचा दिया गया। वहीं थोड़ी देर बाद अहले सुबह परिजनों द्वारा उसे PSC गोपालपुर लाया गया, जहां प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार द्वारा सिंटू को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं उनकी पत्नी बबीता देवी ने पति की मौत का मामला दर्ज करवाया है। मृतक सिंटू को 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के असली कारण का पता चल सकेगा, परंतु गोड़ियारी से लेकर बड़ी मकनपुर तक सिंटू की मौत सड़क दुर्घटना में लोगों के गले नहीं उतर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व गोपालपुर पुलिस के अनुसंधान से ही दूध का दूध व पानी का पानी होने की बात कही जा रही है। लत्ती पकड़ के बीच में कनों भाग ली, मतलब कुछ आबे रहे जाए रहे की रहे कनों भाग मोर से ले मोर से ले कुनो कुछ होता है घटा से मर लगता है। गाड़ी पलटी गई टेम्पो, क्या बजे घटना थी? 1:30 बजे। तोरा नाम?
शशि कुमार कहाँ घर दवाखाना। तो वो मतलब क्या बोला आपको गोरिहारी वाला लड़का जो बोला? दारू आती यहाँ पे पार्टी उटी किए हम लोग, उसके बाद में जाने लगे घर। किस चीज का पार्टी बोला होगा ना? हाँ, बर्थडे था उसका लड़की। अच्छा, उसके बाद में आया यहाँ पे बर्थडे उटे मनाया, उसके बाद में जब रिटेनिंग जाने लगा, जाने के बाद में उडुमिनिया का जो घर है लत्ती पाकर में, उसी जगह पे बस टेम्पू घर चला गया खद्दा में। और टेम्पू का कुछ नहीं हुआ, खाली एक ठो रड उसका हल्का टेढ़ा हुआ। क्या उस लड़के से इसको कभी दुश्मनी भी था? कुछ घर में बताया था? नहीं था, बिजनेस कर रहा था उसके साथ। अच्छा, उसके साथ कम्बाइंड बिजनेस था, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर था। तो क्या नाम था उसका? उसका नाम तुम नहीं जानते भैया? संजय नाम। संजय नाम। आपका परिचय? आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदन कुमार गुप्ता। आप मतलब जो मृत हैं उनके क्या परिजन, क्या भाई हैं? मैं भाई हूँ। टेम्पू लेके जा रहा था, हम भी बैठ गए और दुनिया के घर में आगे जाके एक्सीडेंट। कैसे मतलब कहाँ आप चढ़े? चढ़े गोरिहारी में चढ़े थे। गोरिहारी में आप चढ़े? आपका घर कहाँ है? गोरिहारी। आप ही का टेम्पू था? नहीं, जमा का टेम्पू। तो आप भी गोरिहारी में ही चढ़े? जी। तो गोरिहारी से आप कहाँ जाने के लिए चढ़े? ओ बोल दिया चलो घूम के आते हैं, और वैसे भी मैं ससुराल जा रहे थे, फिर जा रहा तो उधर आगे जाएगा तो मैं उधर चल जाऊँगा, लेकिन ये रास्ते में एक्सीडेंट दुनिया भर का। तो इधर से जाने वक्त आप चढ़े होंगे ना गोरिहारी में? गोरिहारी में। तो वहाँ मतलब कि कहाँ जाने के लिए चढ़े थे? चढ़े थे अपने बोला कि बेटा चलो साथ में थोड़ा उधर से चले आए, चल गए। तो कहाँ चलो बेटा आपको कहा? ओ सईदपुर निवासी नितेंद्र सिंह को भाजपा किसान मोर्चा का खगड़िया जिला प्रभारी मनोनीत किए जाने पर बधाई। सईदपुर निवासी वरिया भाजपा नेता नितेंद्र सिंह उर्फ गुलाबी सिंह को खगड़िया जिला किसान मोर्चा मनोनीत किए जाने पर पूर्व सांसद अनिल यादव, उपाध्यक्ष आलोक सिंह, मंडल अध्यक्ष पंकज शर्मा सहित कई अन्य दर्जनों भाजपाइयों ने बधाई दी है। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर, ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय, अभी नामांकन ले और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488-8569-88-9234-62-3333। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCMLA निःशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नौगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 88-73-97-36-80, 8228-95-6905 या रजिस्टर करें mswtbihar.com पर। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नौगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969-33-9666। हमारा पता है नौगछिया ऑटो स्टैंड, माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट।